ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म अवनापारः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव ब्रह्म ही है, उससे भिन्न नहीं। वेदांत की इस वाणी को सिद्ध करने वाले भारत भूमि पर जन्मे परम पूज्य आद्य गुरु शंकराचार्य संपूर्ण विश्व में विख्यात हैं। उनका जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश के मलाबार प्रांत के कार्डी नामक गांव में वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ था। धार्मिक मान्यता के अनुसार आद्य गुरु शंकराचार्य जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। स्वयं को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला भारतवर्ष अपने शिखर पर था। समूचे ब्रह्मांड में इस राष्ट्र की सनातन संस्कृति और ज्ञान की प्रतिष्ठा थी, किंतु तत्कालीन समाज में धर्म और आध्यात्म के नाम पर षड्यंत्र पूर्वक अराजकता फैल रही थी। भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की इस भूमि को अज्ञानता रूपी अंधकार ने घेर रखा था। यदि उस समय आद्य गुरु शंकराचार्य इस धराधाम पर ना आए होते तो सनातन भूमि पर अस्तित्व में आते नवीनतम मत मतांतरों के कारण हम अपनी सनातन संस्कृति और ज्ञान को कहीं खो चुके होते। दूरदर्शी शंकर ने आने वाले समय की आवश्यकता को समझा और सनातन के विरुद्ध पनप रहे सभी षड्यंत्रों से देशवासियों को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक जनजागरण का बिगुल बजाया। उन्होंने जगन्नाथपुरी, उज्जैनी, द्वारका, कश्मीर, नेपाल, बल्क, काम्बोज तक की पदयात्रा की और भारतीय वैदिक धर्म का जयघोष किया तथा संक्रमण काल में देश में विलुप्त हो रही वैदिक संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा की, जो उनकी राष्ट्र निर्माणी योजना का एक महत्वपूर्ण अंग था। उनके इन सतत प्रयत्नों का फल यह हुआ कि जनमानस में धर्म संबंधी जो भी भ्रांतियां घर कर रही थीं, वे सब दूर होने लगी। वेदांत के सिद्धांतों के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और जाति भेदों का भी खंडन हुआ और भारत भूमि के कोने कोने में सनातन धार्मिक और दार्शनिक संदेश जन सामान्य तक पहुंचने लगा। लोगों के बीच एकता और सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिला और संपूर्ण देश में वैदिक धर्म का शंखनाद फिर गूंजने लगा। आद्य गुरु शंकराचार्य का सनातन धर्म के प्रमुख पर्व कुंभ स्नान के साथ गहरा संबंध है। उन्होंने संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ही कुंभ मेला प्रारंभ किया। सनातन संस्कृति परंपरा की पुनर्स्थापना का श्रेय अगर उन्हें दिया जाए तो वह गलत नहीं होगा। आज हिंदू समाज में प्रचलित जप, तप, व्रत, उपवास, यज्ञ, दान, संस्कार, पर्व, उत्सव आदि उन्हीं के प्रयासों से पुनर्प्रतिष्ठित हुए। उनकी राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सुदूर कश्मीर की पूज्य देवी शारदा के विग्रह को ठेठ दक्षिण में स्थापित कर वहां एक मठ स्थापित किया। उनका दृष्टिकोण था कि भारतीय समाज को आत्मनिर्भरता, समरसता और समृद्धि की दिशा में अग्रसर किया जाए। उन्होंने विश्वविद्यालयों, ध्यान केंद्रों और धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की, जिससे सनातन भारतीय संस्कृति और ज्ञान का निर्बाध संरक्षण और संवर्धन होता रहे। अलौकिक प्रतिभा के धनी आद्य गुरु शंकराचार्य ने अल्पायु में ही न केवल विलक्षण ग्रंथों की रचना की, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष का परिभ्रमण कर सांस्कृतिक दृष्टि से उसे एक सूत्र में बांधने का भी कार्य किया। देश में राष्ट्रीय भावना को मुखरित और जागृत करने के उद्देश्य से देश के चारों कोनों में चार धामों की स्थापना की। इन चार धामों की स्थापना के पीछे उनका मूल उद्देश्य राष्ट्र व सनातन संस्कृति के संरक्षण एवं इसके प्रसार का था। वर्तमान में भी आचार्य शंकर द्वारा स्थापित ये चारों धाम राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ रखने में अप्रतिम योगदान दे रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि वह सही अर्थों में सनातन राष्ट्र के अत्यंत दूरदर्शी निर्माता थे।